हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स अभी जो आपने स्टार्टिंग में देखा था दोस्तों, इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए मैंने जो भी मटेरियल्स का यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। फ्रेंड्स काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ फ्रेंड मैसेज कर रहे हैं कि उनका काइनमास्टर वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपके काइनमास्टर में आपके फ़ोन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरा काइनमास्टर चेंज करके देखिए तो हो सकता है वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते फोन के स्क्रीन पर, ओपन करते काइनमास्टर एप्लीकेशन को। सो गाइस यहाँ पे आप जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया था ना। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू पे टाइप कीजिएगा, 900 लगा एसयू सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपको इमेज एक्सेस में जाना है, एक तो इमेज सेलेक्ट कर लेना है, जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हैं इसके ड्यूरेशन को उतना टाइम कर लीजिएगा। फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कीजिएगा, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एक इमेज ले लीजिएगा, जो आप जो भी इमेज आप यहाँ पे एडिटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक गर्ल का इमेज ले लेता हूँ, जो भी यहाँ पे इस तरह का इमेज, ठीक है। और इस इमेज को आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर लेना है, ठीक है। इस तरह से पूरे स्क्रीन पर कर लीजिए एक साइड में। अगर आप चाहें तो इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। तो फ्लिप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेट मिररिंग वाला जो ऑप्शन आता है इस पर आकर और इसे फ्लिप कीजिएगा। फ्लिप करने के बाद जिस तरह से रखना चाहते हैं जहाँ पे उतना पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इतना पे रहने देता हूँ, फिर यहाँ से बैक आएंगे, इसी के एक तो और डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसे डुप्लीकेट करने से हमें फायदा ये होता है, इसके ड्यूरेशन को एडजस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। अब रिप्लेस वाले ऑप्शन में टैप करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद ये वाली वीडियो ले लीजिएगा। लेने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्प्लिट स्क्रीन पे जाकर यहाँ पे व्हाइट वाला जो फुल स्क्रीन है इस पर टैप कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका जो ज़्यादा पार्ट है ये रेड वाला है, तो इसे भी हम थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं, क्योंकि ये पिक्चर फ्लिप किए थे जिसकी वजह से यह भी फ्लिप हो गया था। तो अभी इसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको इनेबल करना है और यहाँ पे रेडिएट आपको सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक कर देना। करने के बाद इसे हल्का सा एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से, फिर यहाँ से बैक आइएगा। अभी अगर आप प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है, अभी भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब इसे सेव कर लेना है यहाँ से, तो सेव वाले बटन पर टैप कीजिएगा ऊपर एरो पे और सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब तक वीडियो सेव हो रहा है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेव हो चुका है, देन यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है और ये वाली वीडियो को भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर ये वाली को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका एक तो डुप्लीकेट एज लेयर्स कर लेना है। इसके बाद रिप्लेस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद आपको अपना एक तो फोटो यहाँ पर ले लेना है, जो भी फोटो आप यूज करना चाहते हैं, मतलब सेकेंड फोटो जो आप यूज करना चाहते हो उस फोटो को आप ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोटो हैं, बट कौन सा फ़ोटो लेना है वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो पिकसार्ट में मेरा फ़ोटो होगा, यहीं से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, ये मैंने गलत फ़ोटो ले लिया। तो रिप्लेस पे क्लिक करते हैं फिर से और यहाँ पे पिकसार्ट में चलते हैं। देन यहाँ पे फुल बॉडी फ़ोटो आप ले लीजिएगा, फुल फ़ोटो। तो ये वाला फ़ोटो मैंने ले लिया, देन इसे भी इस साइड में करेंगे और यहाँ तक जूम कर लेंगे इस तरह से। देन इसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना पे रखना हो तो उतना कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसे रहने देता हूँ इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, लेयर वाले ऑप्शन टैप करके मीडियम जाना है और काइनमास्टर से जो अभी वीडियो आपने सेव किया था उस वीडियो को ले लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे व्हाइट वाले पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन फिर से आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, क्रोमा की का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर लीजिएगा। देन इसे इनेबल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया, इसे हल्का सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इस तरह से हल्का सा एडजस्ट कीजिएगा। पिक्चर कहीं पे कटे ना, जो सेकंड वाला गर्ल वाला पिक्चर हो कटना नहीं चाहिए। देन बॉय वाले इमेज को फिर से सिलेक्ट कीजिएगा और इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और बस इतना पे इस तरह से रख लेते हैं, सही लग रहा है, अब सही लग रहा है, ठीक है। इतना पे रख लेते हैं, देन यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अभी इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अभी इसमें और भी काम हमें करने हैं, तो लेयर्स पे टैप कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद आपको फिर से डाउनलोड में चले जाना है। देन ये वाला जो पीएनजी मैंने आपको दिया था उस पीएनजी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसे इस तरह से हल्का सा रोटेट कर लीजिएगा, इसे थोड़ा छोटा कीजिएगा और फिर यहाँ पर सेट कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ एडजस्टमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर टैप कीजिएगा, ब्राइटनेस इसको जीरो कर दीजिएगा, कॉन्ट्रेस्ट को आपको यहाँ पे
कंट्रेस्ट को कुछ मत कीजिए, उतना ही रहने दीजिए। सेचुरेशन इसे माइनस कर दीजिए 100, और वाइब्रेंस को भी यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे कुछ नहीं हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे हमें इस तरह से करना है कि यहाँ पे ये ब्लैक हो जाए, पूरी तरह से इसे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक हो गया है, थोड़ा सा शेडो इसमें दे देते हैं, सही है। ये वाला रहा, गामा को हमने 100 किया और ये पूरा ब्लैक हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये पूरा तरह से ब्लैक हो चुका है, देन यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक लाइडिक्स वीडियो को आपको ज़रूरत है, तो जो भी वीडियो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। उससे पहले इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लीजिएगा, करने के बाद इसे थोड़ा और जूम कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा लाइडिक्स जो यहाँ पर हम ऐड करें वो अच्छी तरह से दिखे। अब स्क्रीन पर आइएगा, लेयर्स पे टाइप कीजिएगा, मीडिया में जाइएगा, डाउनलोड में चले जाइएगा, देन यहाँ पे आपको कोई भी लाइडिक्स वीडियो लीजिएगा जिसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक होगा और इसका लाइडिक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन जो दिखेगा इस पर टैप कर लीजिए, टैप करना इसे स्क्रीन कीजिएगा और इस लाइडिक्स वीडियो को लेकर यहाँ पे एकदम से ये जो ब्लैक वाला है उस पर कर लीजिए। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिए, लेयर्स का ऑप्शन टैप कर लीजिए, मीडियम में जाइएगा, मीडियम में जाने के बाद आपको फिर से डाउनलोड में चले जाना है। देन यहाँ पे आपको पार्टिकल वीडियो मैंने एक दिया उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने बाद कुछ इस तरह से आएगा, नीचे स्क्रॉल करके स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा, इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने का नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। देन यहाँ से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ लेयर्स पर टैप कीजिएगा, मीडियम देगा और यहाँ पर आपको एक PNG सेलेक्ट करना है, बॉर्डर का PNG जो होता है वो वाला, यहाँ पर इस तरह का बॉर्डर इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा और बॉर्डर को सिलेक्ट कीजिएगा, बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद इसे लास्ट तक, इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, जो प्ले करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब इसे आपको सेव कर लेना है, सेव करने के लिए ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद जिस भी क्वालिटी में रखना चाहते हैं रखिएगा और सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपके फ्रेंड भी एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और वीडियो शेयर कीजिए। हर रोज़ मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियोज़ लेकर आता हूँ, बट कई दिनों से मेरे को सब्सक्राइब काउंट नहीं हो रहा, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब्स थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।